कांग्रेस के तमाम नेता मीटिंग में शामिल हैं। हिमाचल भवन में ये मीटिंग चल रही है और इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा जारी है। कांग्रेस आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिमाचल भवन में मीटिंग चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैराथन मीटिंग का दौर कांग्रेस में लगातार चल रहा है और आज सूची जारी हो सकती है, इसके कयास लगाए गए हैं, इसलिए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस आज अपनी सूची कभी भी जारी कर सकती है और आज ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के फाइनल आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मंथन का दौर है वो चल रहा है। तो दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन मीटिंग का दौर जारी है, कांग्रेस के तमाम नेता इन मीटिंग में शामिल हुए हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल भवन में अभी भी ये मीटिंग चल रही है, तो बैठकों का दौर कांग्रेस में लगातार चल रहा है। टिकटों को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो डिस्कशन है वो जारी है और अभी भी मैराथन मीटिंग हिमाचल भवन में कांग्रेस की चल रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि आज कांग्रेस अपनी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो जारी कर सकती है, कांग्रेस की ये सूची आज जारी हो सकती है, इसकी भी कयास लगाए गए हैं और इसलिए सबकी निगाहें कांग्रेस की हो रही मीटिंग्स पर लगी हुई हैं कि आज जो लिस्ट है वो क्या कांग्रेस पार्टी जारी करती है, उसमें कौन से नाम होंगे, इन सब पर पूरे प्रदेश की निगाहें, इसलिए कांग्रेस लगातार मैराथन मीटिंग कर रही है, चर्चा कर रही है ताकि कैंडिडेट्स के जो नाम हैं उनको फाइनलाइज किया जाए और उसके बाद जो सूची है वो जारी की जाए। कल आपने देखा कि देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी की और अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, मैराथन मीटिंग का जो दौर है वो लगातार जारी। आने के बाद आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और तेजी से कांग्रेस के पक्ष में लहर बनी, हरियाणा के अंदर जिस तरह की लिस्ट आई है आपने देखा होगा, सट्टा मार्केट में भी इस तरह की बातें आती हैं, हालांकि हम इसमें कोई उतरी, लेकिन उसमें भी जो है लिस्ट के बाद भाजपा इतनी सीट पहले दिखा रहे थे और ज़्यादा लुढ़कती जा रही है, तो एक सांकेतिक चीज़ है। इंटरनल बीजेपी की लिस्ट आने के बाद इंटरनल असेसमेंट और आपके ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है एमपी साहब, आप भी जाते हैं पूरे हरियाणा में घूमते, ग्राउंड रिपोर्ट भी और आपकी रिपोर्ट भी, आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी रिपोर्ट देते भी हैं लेते भी हैं, तो आप भी जानते हैं सारी रिपोर्ट एक ही है, हरियाणा में हरियाणा से बीजेपी जारी है। और तो लिस्ट को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। दिल्ली में भी इस समय आप देख रहे हैं कि कांग्रेस हिमाचल भवन में लगातार मीटिंग कर रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और कई घंटों से आप देख रहे हैं कि ये जो विचार विमर्श है वो चल रहा है, इसलिए सूची आज फाइनल हो सकती है, आज कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, इसके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और इसलिए ये जो चर्चाएँ हो रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और आज अब इंतज़ार हो रहा है क्या कांग्रेस आज अपनी सूची को जारी कर सकती है, क्योंकि संभावनाएँ हैं इस बात की कि कांग्रेस की आज जो लिस्ट है पहली लिस्ट वो आ सकती है। तो मैराथन मीटिंग का दौर कांग्रेस में लगातार चल रहा है, कैंडिडेट्स को लेकर के जो चर्चा है वो अपने अंतिम दौर में है, कुछ सीटों पर ज़रूर आप कह सकते हैं कि जो चर्चाएं हैं वो लगातार हो रही हैं, क्योंकि कुछ सीटें ऐसा कहा गया जिस पर जो पेच है वो फंसा हुआ है और इसीलिए उन सबको बैठ करके सुलझाया जा रहा है ताकि आज कांग्रेस अपनी एक फाइनल सूची जारी करें और इसका इंतज़ार हो रहा है। हिमाचल भवन में लगातार आप देख रहे हैं कि जो मीटिंग का दौर है वो लगातार जारी है, तो तमाम बड़े चेहरे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की इस मीटिंग में मौजूद हैं, सुरजेवाला को आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी, इसके अलावा दीपक बाबरिया इस मीटिंग में मौजूद हैं, उदय भान हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, इन सब की मौजूदगी में ये चर्चा लगातार चल रही है। और अब अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पे कांग्रेस